अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम और स्टाइलिंग करेंगे अपने वेब टेम्पलेट की यूजिंग HTML5 के, जैसे कि उसके न्यू फीचर्स हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये देखिए कि एक मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है जो कि HTML5 में है। अब हम अपने जो, जैसे कि हम लोगों ने ओल्ड टेम्पलेट डिज़ाइन किया था, हम लोग उसके अंदर चेंजेस करके उसको HTML5 में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ओल्ड टेम्पलेट था जो कि हमारे पास, जिसका कोड हमारे पास ये लेफ्ट साइड में ओपन है, जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में। अब हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें भी अप्लाई करेंगे। देखिए, जब मैं इसके ऊपर सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट डॉट PHP, मतलब कि एक PHP फाइल इंक्लूड होती है जो कि मैंने इसके ऊपर सेट की हुई थी सबमिट के बटन पर। और जब मैं उसको करता हूँ वो फाइल नॉट फाउंड होती है क्योंकि वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के अंदर कुछ भी अगर हम लोग करके सबमिट करें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए HTML5 ने, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप हम लोग ईमेल में टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, HTML5 में हम लोग अब इनपुट टाइप ईमेल कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जब भी हम लोग जो गलत ईमेल, अगर हमारे पास गलत ईमेल लिखेंगे तो वो उसको एरर शो कर देगा कि हमारे पास ईमेल गलत है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जब इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तब इट वो एक्सेप्टेबल होगा। आगे बारी आती है हमारे पास नंबर की, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास HTML5 में इसके लिए टेल, इनपुट टाइप टेल होती है, हम लोग उसको टेल यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम लोग नंबर बताए, इसके ऊपर हम लोगों को स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट जो कि उसको चेक इन बैलेंस करेगी। इस तरह से इसके ऊपर, मतलब नंबर के अगर जगह हम लोग अल्फ़ाबेटिक्स कुछ लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो भी सकता है। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने ऐसा टेम्पलेट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अब हम लोग उसकी कोडिंग, उसके लिए हम लोग उसके टैग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास आती है हमारी बेस्ट टाइम टू कॉल। उसके नीचे हम लोगों ने यहाँ पर देखें लोकेशन एंटर करनी है, तो हम लोग लोकेशन के लिए लेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए नया पी का टैग ओपन करेंगे, लेबल फॉर लोकेशन, आगे उसके लिए लेबल के अंदर लोकेशन कर देंगे उसको लेबल में। और उसके बाद इनपुट, इनपुट के अंदर हम लोग ले लेंगे इनपुट लोकेशन ले लें, इनपुट लिस्ट लेनी है क्योंकि लिस्ट हम लोगों के उसके लिए यूज़ होती है अपने लिस्ट, जो कि कह सकते हैं। और जैसे हम लोगों के पास बजट की लिस्ट चाहिए तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है ना, लिस्ट होगी कि अगर हम लोग एंटर करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ओपन करेगा। जैसे हम लोग अगर वन एंटर कर ए एंटर करते हैं, अगर ए की कोई कैटेगरी होगी बीच में तो वो उसको ओपन कर देगा, अपने ड्रॉप डाउन उसको शो कर देगा। ऐसे सच कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है कि हम लोग डाउन एरो की प्रेस करें और वो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाए। उसके लिए हम लोग फिर लेबल, हम लोग उसको इनपुट लिस्ट लिस्ट करेंगे, लोकेशन, उसके अंदर डाटा लिस्ट जो कि हम लोगों ने डाटा एंटर करने हैं, उसके अंदर हम लोग डाटा लिस्ट आईडी उसको दे देंगे लोकेशन, और इसके बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और हम लोग उसको ऑप्शन दे देंगे जो कि हम लोग बजट में, और ऑप्शन में वैल्यूज एंटर कर देंगे न्यूयॉर्क या बोस्टन और मायामी, उस टाइप के हम लोग वेबसाइट उसके अंदर एंटर कर देंगे। और उसको डाटा लिस्ट को हम लोग उसका टैग भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास लोकेशन का वो आ गया है जो जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बॉस्टन लिखते हैं तो यहाँ पर बॉस्टन आ जाएगा, बी लिखेंगे तो नीचे बॉस्टन की ऑप्शन आ जाएगी। अब हमारे पास आते हैं बजट, उसके अंदर हमारे, हम लोगों ने जब इसके अंदर यहाँ पर देखे तो हमारे पास पहली स्लाइड थी यहाँ पर, यहाँ पर देखे हमारे पास है जो कि एक फील्ड बनी हुई है जो कि जिसके पहले बॉर्डर है और इसके अंदर अबाउट आवर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने ये काम करना है, तो इसके लिए अब हम लोग करेंगे कि अपनी लोकेशन के नीचे, अपने लोकेशन के टैग के नीचे हम लोग एक फील्ड सेट बना लेंगे, फील्ड सेट बना लेंगे और उसको हम लोग बाकी जो हमारा डाटा है सबमिट से ऊपर, सबमिट के टैग जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें से ऊपर ऊपर तक हम लोग फील्ड सेट को ओपन कर लेंगे और उसके वो क्लोज कर देंगे उसका टैग, क्योंकि बाकी सारा डाटा बीच में आना है। उसके अंदर फिर हम लोग करेंगे ये कि अब हम उसके अंदर जो हमारे पास ऐड या प्रोजेक्ट ये हमारा बीच में आ रहा था तो हम लोग उसके लिए लेजेंड का टैग ओपन करेंगे, अबाउट योर प्रोजेक्ट लिख के उसको लेजेंड का टैग क्लोज कर लेंगे फील्ड सेट के स्टार्ट होने के बिल्कुल बाद।
आएगी बारी हमारे पास बजट की। बजट हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ये एक स्लाइडेबल बजट है, हम लोग इसको पार्ट में स्लाइड कर सकते हैं और उसको हम लोग वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। उसके लिए अब हम लोग करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करवाएंगे। जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम लोग उसका सिंटैक्स सामने लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फंक्शन, अपडेट टेक्स्ट और सब हम लोग लिख लेंगे। फिर है लेबल फॉर बजट, हम लोग जो बजट का लेबल था उसका वो लेबल दे देंगे। आगे अब हम लोग यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट के बिल्कुल नीचे हम लोग लेबल फॉर बजट जो कि हम लोगों ने लेबल लिखा हुआ था वो, और उसके बाद आएगी हमारे पास इनपुट टाइप रेंज, नेम रेंज, मिन हम लोग मिनिमम जितनी हम लोग उसकी वैल्यू रखना चाहते हैं 500, मैक्सिमम 10,000, और ऑन चेन अपडेट टेक्स्ट इनपुट जो कि हमारे पास फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो हम लोग इंक्लूड करवाएंगे। उसकी जो ब्रैकेट्स थी अब हम लोग उसके अंदर यूज़ करेंगे दिस वैल्यू, जो कि वैल्यूज हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल कर लेगा। अगर अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई इफेक्ट, इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ गया है लेकिन हमारा अभी भी टेक्स्ट बॉक्स मिसिंग है, टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास स्टिल मिसिंग है। उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर है टेक्स्ट इनपुट। अब हम लोग अपना आईडी भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर हमारा पास नेम ही हम लोग उसको टेक्स्ट इनपुट कर देंगे, लेकिन फिर रिफ्रेश करने के बाद तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके लिए अब हम लोग करेंगे कि आईडी बजट का देते हैं, नेम बजट का देते हैं और उसके बाद बाकी सेम वैसे। लेकिन और अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का आईडी भी बजट कर दें तब भी जो है हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता। असल में मैं आपको बताने का मकसद ये है कि क्योंकि अभी अभी न्यू HTML5 सीख रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास एरर्स आ सकते हैं, बीच में आपके काम के बीच में एरर्स आ सकते हैं। आपको मतलब HTML5 के कोड थोड़े बहुत टफ हैं बाकी नॉर्मल HTML से, तो आपको मैं थोड़ा बहुत गलत करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे कि इसको ठीक कैसे करना है। अब हम लोग उसको वापस टेक्स्ट इनपुट ही कर देंगे अपने गेट एलिमेंट बाय आईडी को। उसके बाद हम लोग अपने जो इनपुट हमारे पास आईडी था वो बजट, और उसका नेम हमारे पास वो भी बजट ही रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि हमारे पास आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था उसके लिए हम लोग इनपुट ले लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसको आईडी देंगे टेक्स्ट इनपुट जो कि हमारे पास उसके एलिमेंट बाय आईडी था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है एक टेक्स्ट बॉक्स जो कि हमारे पास स्लाइड करने के साथ वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर मैक्सिमम भी हमारे पास 10,000 हो जाएगी और इसी तरह हमारे पास जहाँ पे हम लोग उसको रेंज करेंगे वहाँ पे चली जाएगी। ये हमारे पास वही पुराना टेम्पलेट जो कि जिसका देख के हम लोग अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आएगी सर्विसेज चेक एंड बैलेंस जो कि हमारे पास पहले ही केवल है। फिर है करंट वेबसाइट की ऑप्शन, वो हम लोगों को एंटर करनी है। यहाँ पे हम लोग नया पी का टैग ओपन करेंगे, करंट वेबसाइट फॉर हम लोग कर देंगे, फॉर वेबसाइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास करंट वेबसाइट जो कि हमारा लेबल के अंदर आना चाहिए, और इनपुट हम लोग कर देंगे URL और नेम उसका वेबसाइट, और हमारे पास वहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग उसी को कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे और कुछ भी जो करना चाहें कर सकते हैं। उसी को आप करके यहूद लिखना वो लिख लें, उसी को आप लेबल फॉर स्टार्ट स्टार्ट डेट, और उसके बाद हम लोग उसको इनपुट टाइप कर देंगे डेट और नेम्स का डेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैसा ही डेट का बन गया है। इधर हमारे पास ज़्यादातर जो अगर जो नॉर्मल HTML के जो स्टार्टअप यूज़ करते हैं, स्टार्टअप से जो स्टार्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये चीज़ें क्यूरी के साथ लिखनी पड़ती है, jQuery के साथ, लेकिन HTML5 में बहुत आसानी रहती है, मतलब कुछ थोड़े टेक्स्ट के भी पता काम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ पेजेस, हमारे ये वो टेम्पलेट है जो कि हम लोग जिसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। यहाँ पे अब हम लोग देखिए हम लोग अप का बटन या डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नंबर चेंज होते हैं। उसके
उसके बाद आपको करना ये है कि नंबर ऑफ पेजेस एंटर करने हैं। नंबर ऑफ पेजेस के लिए आपको अप डाउन की एरो कीज़ दबानी के लिए हम लोग आप यहाँ पर देखेंगे लेबल फॉर पेजेस, वो हम लोग उसके नंबर ऑफ पेजेस और इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे और हम लोग उसका नेम दे देंगे जो कि हम लोगों ने टाइप या पेजेस जो नाम दिया हुआ है, हम पेजेस का नाम जो दिया हुआ है हम लोग दे देंगे। फिर हमारे पास आती है बारी ये उसके अंदर हम लोग कलर के लिए हम लोग वैसे ही जो कि हमारे पास मेन टेम्पलेट में था हम लोग उसका लेबल दे देंगे मेन कलर। कलर के बाद हम लोग कर देंगे उसका इनपुट टाइप कलर और नेम कलर, और इसी तरह से हमारे पास ये देखिए ये हमारा कलर के लिए ऊपर हो जाएगा।